दोस्तों, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, इसका मतलब आपका हेयर का जो रूट है वह कमज़ोर हो चुका है। इसका रीज़न दोस्तों ड्राई स्केल या फिर जेनेटिक भी हो सकता है। कई केस में देखा गया है डेंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होना, या फिर जेनेटिक की वजह से, या फिर विटामिन की वजह से ऐसा हो जाता है, और ये 20 से 30 की उम्र में बहुत ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों, अगर आपका भी हेयर फॉल होता है तो आप ऑयलिंग करना शुरू कर दें। अगर गर्मी का दिन है तो आप नारियल तेल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ठंडा का मौसम है तो आप जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से भाइयों को ऑयल लगाना पसंद नहीं होता है, तो आप रात को अच्छे से मसाज कर सकते हैं अपने बालों में, उसके बाद आप स्नान कर ले सुबह। अगर आपका हेयर फॉल के साथ साथ आपका हेयर का ग्रोथ भी रुक गया है, तो आप अपने हेयर में कोकोनट ऑयल और ओनियन का जूस आप निकाल के मिक्स करके एक कटोरी में, और अपने हेयर में अच्छे से मसाज करें नहाने से पहले, और 15 से 20 मिनट के बाद आप स्नान कर ले कोई भी शैम्पू से। अगर आपका डैंड्रफ है तो हैंड एंड शोल्डर या फिर कोई भी शैम्पू आप ब्रांड का यूज कर सकते हैं, जो भी आपका हेयर में सूट करता है। दोस्तों, अगर आपका हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, तो आप डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए कीटोमैक्स शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको 200 से 250 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। अगर दोस्तों आपका ड्राई स्कैल्प है, तो कम से कम सप्ताह में 3 बार अच्छे से ऑयलिंग करें मसाज करके, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। और आपका ऑयली स्कैल्प है, सप्ताह में 1 बार भी करोगे तो चलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपना हेयर फॉल को रोक सकते हैं। अगर आपका हेयर का ग्रोथ रुक गया है, तो कोई भी आप ओनियन ऑयल यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ओनियन ऑयल मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है, तो आप घर में भी कोकोनट ऑयल और ओनियन का जूस निकाल के आप मिक्स करके अच्छे से मसाज कर सकते हैं, जिससे आपका हेयर का जो स्कैल्प है वह नमी भी बना रहेगा, और आपका हेयर ग्रोथ भी होगा, और आपका हेयर फॉल भी कम से कम होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।